बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? से तबीयत ठीक है। तो जनाब, अगर बात करें सबसे पहले सोने के रेट की, तो रेट सुबह की इस वक्त रेट के अंदर थोड़ी सी कमी वाकई हुई है। 2,50,600 रुपये इस वक्त जो है ना पीस का रेट हो गया है, और चांदी के रेट के अंदर भी कमी वाकई हुई है, 2,890 रुपये फ़ी तोला। यहाँ पर सेलिंग और बाइंग के हवाले से काफ़ी सारे लोग जो है ना मुझसे सजेशन लेते रहते हैं और पूछते रहते हैं। तो जनाब, इस वक्त की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। इंटरनेशनल मार्केट इन्होंने जो तोड़ने के साथ दोबारा से 2400 के ऊपर ला के जो है ना क्लोज कर दी है, वो जो है ना ये समझ लें एक बहुत बड़ा मामला बन गया है। अब यहाँ पर जो है ना सेलर जो है वो परेशान है कि हम जो है ना दोबारा से बाय कर लें, क्योंकि मार्केट जो है वो इसने 2401 के ऊपर जो है ना क्लोज़ की है। तो अगर मार्केट जो है ना ओपन होने के साथ 20 से 25 डॉलर ऊपर मज़ीद लगाती है तो मार्केट जो है ना ऊपर जा सकती है। लेकिन यहाँ पर मेरी जो सजेशन है ना वो आप लोगों को वो यही सजेशन है, देखें आप थोड़ा सा सब्र करें, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट जब भी बढ़ती है वो एक रिट्रेस लाजमी लेती है, तो हमने उसको देखना है, उसकी चाल को समझना है। फिलहाल 2 दिन जो है वो हो सकता है माफिया की जानिब से जो है ना रेट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि माफिया जो है ना अपनी मर्जी से ज़्यादा रेट को ऊपर नीचे करे, क्योंकि माफिया के ख़िलाफ़ जो है ना क्रैकडाउन भी हो चुका है और माफिया काफ़ी हद तक जो है ना इस वक्त थम गया है। माफिया इतनी ज़्यादा लंबी छलांगें नहीं मारता। अच्छा, यहाँ पर सजेशन के हवाले से ये है कि यहाँ पर अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है और आपने जो है ना गोल्ड को ऊपर के रेटों में सेल कर दिया था, जिन्होंने 2,54,000 में, 2,53,000 में, 2,00,000 ठीक है 52,000 में गोल्ड को सेल कर दिया था, अब यहाँ पर रेट आ गया है 2,50,000 ठीक है 500 रुपये रेट आ गया है, तो यहाँ पर उनको 2,000 रुपये पर तोला प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर सजेशन मेरी ये है कि 25% या 20% जो है ना यहाँ पर गोल्ड की बाइंग कर लेनी चाहिए, ये सेफ़ बाइंग है ठीक है। और अगर रेट मज़ीद 1,000 रुपये 1,500 रुपये और टूटे ये हफ्ता और इतवार के दिन में, अगर इन दिनों इस टाइम के दौरान जो है ना इस टाइम पीरियड के दौरान अगर रेट दोबारा टूटता है तो फिर 25% बाइंग कर लीजिएगा ठीक है, क्योंकि मार्केट ने रिट्रेस लिया है। मार्केट हो सकता है कि ऊपर का एक हाई लगाए और हो सकता है फिर दोबारा से मार्केट वापस आए ठीक है। इस सिचुएशन में चलेंगे आप, अगर स्लॉट्स की सूरत में सोने को लेते रहेंगे और सेल करते रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप स्लॉट्स की सूरत में नहीं करेंगे, टोटल सोना उठा लेंगे और टोटल गोल्ड अपना सेल कर देंगे, तो उस सूरत में आपको नुकसान हो सकता है। और दूसरी जो सबसे सेफ जो जोन है ना, सबसे सेफ जोन ये है कि यहाँ पर 50% गोल्ड रख लें, 50% कैश रख लें ठीक है। जैसे ही रेट जो है ना 2-3 हज़ार रुपये नीचे आए, जो आपके पास कैश होगी उस कैश से आपने गोल्ड को उठा लेना है, और अगर सोना जो है ना 2-4 हज़ार रुपये ऊपर जाता है तो उस सोने को आपने सेल कर देना है। तो रेट की अगर बात करें तो आज रेट है 2,50,500 रुपये, पठूर का रेट है 2,47,500 रुपये। रावलपिंडी में इस वक्त पठूर का रेट चल रहा है 2,48,500 रुपये, रावलपिंडी में पठूर का रेट चल रहा है। पिशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट है 2,59 इस वक्त पिशावर में पक्के तोले का रेट चल रहा है। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।